प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग दो टॉपिक आप लोग पहले कर चुके हो, समाज और समुदाय। ये आपका फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट है। आज हम लोग बात करेंगे समिति और संस्था के बारे में। समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह, आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। क्या सिर्फ व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक कि उनके बीच में आपस में संबंध नहीं हो। तो सामाजिक संबंधों का होना समाज के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है। और गिव एंड टेक के रिलेशनशिप, आपस में एक दूसरे के साथ बिना जुड़े समाज कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। समुदाय क्या है, ये भी मैंने आपको उस दिन बता दिया था। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि बहुत लंबे ड्यूरेशन तक एक साथ रहता है और एक पर्टिकुलर उसका नाम होता है और वो एक लंबे समय तक आपस में एक दूसरे के साथ सामुदायिक संबंध रखते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है समिति। ये भी एक समाज के लिए एक अनिवार्य, जिसको कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है, और इसके बिना भी समाज नहीं चल सकता। ये है एसोसिएशन। एसोसिएशन की अगर अपन परिभाषा की बात करते हैं तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जब तक कि व्यक्ति का कोई भी कार्य समाज में तब तक परिपूर्ण नहीं होगा जब तक कि उसके साथ कोई ना कोई उद्देश्य नहीं हो। तो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह जो है वो समिति कहलाता है। अब ये समिति की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को अगर हैफेजर्ड वे में करेंगे तो क्या वो कार्य पूर्ण होगा? नहीं होगा। उसके लिए अपने को एक योजना बनानी होती है, और उसमें अगर एक व्यक्ति कभी ये सोचे कि मैं अकेला ही सफिशिएंट हूँ किसी भी सारे कार्य को पूरा करने के लिए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसको अपन आगे जाकर कई एग्जाम्पल्स के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर व्यक्ति जब अकेला अपने आप में समाज के कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक एसोसिएशन बनानी पड़ती है, और उस एसोसिएशन में सदस्य निश्चित करने पड़ते हैं। इसलिए जब भी किसी भी कार्य को अपने को करना है तो उसके लिए पूरी की पूरी एक कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य उस कार्य को पूरा करना होता है। तो ये जो है समिति जो है, इसका जो इसको अगर अपन ये बोले कि ये परमानेंट है, तो परमानेंट नहीं होती। ये कार्य के पूरा करने तक ही, इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति जो है वो टेम्परेरी होती है, अस्थाई होती है। जैसे ही कार्य पूरा होगा तो वो समिति या तो किसी दूसरी बड़ी समिति में मर्ज हो जाती है, या फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसको ख़त्म करते हैं, और उसके जो सदस्य होते हैं वो भी बिखर जाते हैं। तो समिति के कार्य के बिना समाज का कार्य कभी भी पूरी तरह से अच्छी प्रकार से नहीं चल सकता है। तो इसीलिए जो समिति के, और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो सदस्य होते हैं उनकी जो ऐच्छिक होती है, कभी ऐसे आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको समिति का पहले से ही कंसेंट ली जाती है कि आप इसका सदस्य बनना चाहोगे या इसका उद्देश्य ये है, पूरी तरह से उसके लिए बैठक की जाती है, और उसके बाद फिर उसमें एक निश्चित होता है कि ये कार्य हमें पूरा करना है, इस कार्य के लिए ये इसके चेयरमैन होंगे या इसके कार्यकारिणी के सदस्य ये होंगे, तब जाकर वो कार्य पूरा हो पाता है। अगर हम बिना समिति को बनाए या बिना एसोसिएशन के समाज का कार्य करने की कोशिश करते हैं तो वो समाज का कार्य जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर कि इसके एक संगठन, बिना संगठन के समिति कभी भी सर्वाइव नहीं करेगी। तो पूरा का पूरा इसको एक पूरे तरह से शुरू से ही लिख लिया जाता है कि समिति का उद्देश्य ये है, समिति के कार्यकारिणी के सदस्य ये होंगे, ये हमारा टेम्परेरी, ये जो है वो एक पूरा हाइपोथेसिस साइज उसको बना लेते हैं, और उसके बाद जब समिति का कार्य ख़त्म हो जाता है तब उसको जो है हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो कई बार एग्जाम्पल के तौर पर जैसे परिवार है, तो और अगला जो टॉपिक अपन इसी समय ही अपन आगे बढ़ रहे हैं, संस्था इंस्टीट्यूशन जो है, तो जैसे परिवार है तो वो समिति और संस्था दोनों ही हैं। परिवार समिति कैसे है? परिवार समिति इस प्रकार से होगा, जैसे पति पत्नी, तो दो हुए और उनके बच्चे। तो ये जो है अगर एक एसोसिएशन के रूप में देखें तो पति पत्नी और बच्चों से मिलकर एक समिति बनती है जो कि समाज को आगे बढ़ाते हैं।
तो ये समिति के रूप में पति पत्नी और बच्चे, अगर अपन न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो पति पत्नी और बच्चे जो है वो ये एक एसोसिएशन के रूप में कार्य करती है। लेकिन अगर अपन अगला जो उसकी बात करते हैं इंस्टीट्यूशन जो संस्था है, तो अगर परिवार को संस्था के रूप में देखें तो संस्था का अर्थ क्या होता है? प्रोसीजर, कार्य प्रणाली। आमतौर पर संस्था और समिति को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लिया जाता है। तो संस्था और समिति एक नहीं है। समिति तो क्या है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह समिति कहलाता है। और उस कार्य को पूरा करने के लिए जिस प्रोसीजर का प्रयोग अपन करते हैं, जो कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना कार्य प्रणाली के समिति का कार्य पूरा नहीं होगा, तो जो कार्य प्रणाली है वो क्या कहलाएगी? इंस्टीट्यूशन, संस्था। तो परिवार, जैसे मैंने कहा पति पत्नी और बच्चा, ये मिलकर एसोसिएशन बनती है। और उस एसोसिएशन का पर संस्था के रूप में, एसोसिएशन के रूप में तो परिवार जो है वो टेम्परेरी है। अगर मान लीजिए सपोज पति पत्नी में से किसी की डेथ हो जाती है, तो वो समिति खत्म हो जाती है। लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन परिवार जो है वो हमेशा रहेगा। अगर एक्स का नहीं तो वाई का, वाई का नहीं तो ए का, जेड का, परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा ही परमानेंट रहता है। तो इसीलिए जैसे आपका महाविद्यालय है, वो भी समिति संस्था दोनों हो जाता है। तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हैं जिसमें कि हम एज ए प्रोसीजर इंस्टीट्यूशन परमानेंट रहता है, और जो एज ए एसोसिएशन वो टेम्परेरी रहता है। उस कार्य को पूरा करने के बाद वो एसोसिएशन के रूप में ख़त्म हो जाएगा, पर इंस्टीट्यूशन के रूप में वो परमानेंट हमेशा रहता है। तो इसलिए इसमें दोनों चीज़ों के बीच में कभी भी कन्फ्यूज़ ना हो। इंस्टीट्यूशन कार्य प्रणाली है, वो प्रोसीजर जिससे कि उस कार्य को पूरा किया जाता है। तो उसका जो एसोसिएशन है उसका कई सिंबल भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक मोनोग्राम जो होता है, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो मोनोग्राम है वो उसका सिंबल है, जिससे कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो समिति है वो व्यक्तियों के समूह के रूप में दिखाई देती है, मूर्त होती है, दिखती है। लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है, क्योंकि वो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, कार्य प्रणाली है तो उसका तो, और कार्य प्रणाली के रूप में इंस्टीट्यूशन जो है वो परमानेंट है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। भले ही व्यक्तियों के रूप में समिति मर्ज हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन कार्य प्रणालियों में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कार्य प्रणालियों में अमेंडमेंट हो सकते हैं। कार्य प्रणाली को आप उसको समय काल परिस्थिति के अनुसार से चेंज कर सकते हैं। तो वो कार्य प्रणालियों में चेंज होगा, पर कार्य प्रणाली दिखाई नहीं देती है, पर परमानेंट रहती है। एज ए सिंबल वो दिखाई दे सकती है और वो परमानेंट रहेगी। तो इसलिए ये अपन, आप लोग जो है ना, इसको समिति को और संस्था को दोनों को डिफ्रेंशिएट करें। समाज और समुदाय का अंतर भी आ जाता है, समिति और संस्था का अंतर भी आ जाता है, समाज और समिति का अंतर भी आ जाएगा, और संस्था और समुदाय के बीच में क्या अंतर हो सकता है। तो इस पूरे यूनिट के चार टॉपिक से, चारों टॉपिक्स को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। मेरी तरफ से मैंने इनको करा दिया है। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।